हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आज हम देखने जा रहे हैं किसी के भी बारे में, अगर आपको ये जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, कैसे विचार हैं उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए, ठीक है? तो 3 नंबर हैं तो आप 3 लोगों के लिए देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं होगी क्योंकि करंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भी कुछ हमें दिखेगा कि जो मेन आपको समझ में आ जाना चाहिए वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि फ़िलहाल वो आपके बारे में कैसी सोच रख रहे हैं। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, 3 लोगों के बारे में देख सकते हैं। हर एक नंबर पे आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को रख के देखिएगा, अगर आपसे कनेक्ट हो जाए तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए, और कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। सनलाइट टीएल वंदना, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा सब्सक्राइब करके। आइए हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये है नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, ठीक है? आपने जो नंबर जिसके लिए चुना था, ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट, आइए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है। देखिए, यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान अभी तो बहुत परेशान है और आपको भी इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको ये पता है कि आप कुछ सोच तो लिए हैं, कुछ तो डिसीजन है आपके मन में, लेकिन वो काम आप कर नहीं पा रहे हैं। लोगों से डर रहे हैं, परिस्थिति से डर रहे हैं, समाज से डर रहे हैं, आप डरते बहुत ज़्यादा हैं, आप काम को नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ मतलब छोड़ के एकदम से अपने आप को अकेला कर लेते हैं। इस तरीके का वो इंसान आपको समझ रहे हैं कि आप ज़रूरत पड़ने पे या फिर जब भी आपको चीज़ें कहनी है, बोलनी है, सबके सामने फेस करना है सिचुएशन, तो आप भाग लेते हैं। एक तरीके से वो आपको इस तरीके का समझ रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी जानते हैं आपके बारे में कि आप डरते हैं और आप सोच तो लिए हैं लेकिन आप अपने काम को कर नहीं पाते हैं। आप बहुत सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि आप बहुत नेगेटिव होते चले जा रहे हैं और बहुत परेशान हैं इस समय पे। ये व्यक्ति आपके बारे में ये सोच रहे हैं। ये इंसान आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ है नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है कि जिसके लिए भी आपने चुना है उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या विचार हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा अगर नहीं करते हैं तो। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप इस रिश्ते को समाप्त कर चुके हैं, शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं, शायद नहीं, वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहे हैं आपकी किसी ऐसी, मतलब आप बातें कर रहे हो या नहीं बातें कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा उनको दिखा रहे हैं अपनी तरफ से कि उनको पता चल जाए कि आप अब ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का वो आपको दिखा रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। उन्हें ये पता है कि अभी आप बहुत परेशान हैं और बहुत निराश हैं जीवन से, और बस ऐसे ही मतलब जीवन जहाँ लेके जाए उस तरीके की कंडीशन में आप हैं और बहुत सोच रहे हैं आजकल आप, ऐसा उनको लगता है। ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही हो, ठीक है? ये बातें आपकी हों, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है? ख़ास तौर पे जब जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें हैं। लेकिन वो इंसान जो उसके लिए आपने इस वीडियो को देखा है, वो आपके लिए सोचते तो अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल वो यही सोच रहे हैं कि शायद अभी इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो वो इस तरीके से अभी चीज़ों को देख रहे हैं। आइए देखते हैं नंबर 3, हमें क्या पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए कैसे विचार चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं और आपके हाथ में डिसीजन है और आप इस समय पे बहुत हैप्पी हैं अपने जीवन में, आपने अपने बल पे बहुत कुछ प्राप्त किया है और आप खुश हैं और जीवन में अभी ये समय आपके डिसीजन का है, ठीक है? और चीज़ें आपके हक में हैं, आपके हिसाब से चलेंगी। तो अभी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही मेहनती है, उसने अपने मेहनत के दम पे बहुत कुछ अपने जीवन में किया है। अब बहुत कुछ का मतलब हम यहाँ ये मत सोच लीजिएगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, मतलब हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है, उसमें वो चीज़ों को करता है। हर इंसान तो करोड़पति अरबपति नहीं बनना चाहता, ठीक है? ये तो आप सब समझते हैं।
तो जब भी मैं ऐसी बात कहूँ कि बहुत कुछ, तो बहुत कुछ का मतलब है हर इंसान की अपनी अपनी बाउंड्री है, वो अपने लिए बेस्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये व्यक्ति समझते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और आप खुश हैं इस चीज़ से, और होना भी चाहिए हर व्यक्ति को जितना उसकी सोच हो। दूसरों को देख के कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं बनाना चाहिए, इस बात को जीवन में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आपके लक्ष्य आपकी इच्छाओं के अनुसार होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सबके लक्ष्य बहुत बड़े हों। अगर आपकी इच्छाएँ बहुत छोटी हैं, आपकी इच्छाएँ मतलब ज़्यादा नहीं हैं, आप एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े सपने देखें और बड़े बड़े लक्ष्य रखें, क्योंकि जीवन लक्ष्य बनाने के लिए तो नहीं है। मुझे देखिए ये सब सोच जो है ना वो मेरी खुद की है, अगर आपको सही लगे तभी आप मानिएगा। नॉर्मल सा एक लाइफ है, उसको एक नॉर्मल तरीके से जिए आप तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि ना पेंटिकल की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, उनको लगता है कि आप अभी इस समय पे बहुत हैप्पी हैं जीवन में, खुश हैं, और ऐसे आपको रहना भी चाहिए। इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।